हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। प्रदेश की 90 सीटों पर 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और प्रदेश में वोट करने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश भर में कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ ही यानी कि 8 अक्टूबर के दिन घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 2.3 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 1.7 करोड़ से अधिक मतदाता पुरुष हैं, जबकि 95 लाख से अधिक मतदाता महिलाएं हैं और 467 थर्ड जेंडर हैं। यहां 5.24 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है। राज्य में कुल 1 लाख से भी ज्यादा दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से 93,000 से भी ज्यादा पुरुष और 55,000 से भी ज्यादा महिलाएं और 6 थर्ड जेंडर हैं। तो वहीं आपको बता दें 85 वर्ष से अधिक आयु के 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 89,000 पुरुष और 1 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु के 8,821 मतदाता हैं, जिनमें से 3,000 से भी ज्यादा पुरुष और 5,500 में से भी ज्यादा महिलाएं हैं। सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 1.9 लाख है, जिनमें से 1.4 लाख पुरुष है और 4,791 महिलाएं हैं। इस बार चुनाव में कुल 20,000 से भी मतदान केंद्रों पर हरियाणा के मतदाता वोट करने वाले हैं। ये मतदान केंद्र 10,495 जगहों पर बनाए गए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां 1 से अधिक मतदान केंद्र हैं। कुछ मतदान केंद्रों में से शहरी इलाके में बनने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 7,132 है। वहीं 13,497 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में बने हुए हैं। एक मतदान केंद्र पर औसतन 977 मतदाता वोट डाल सकेंगे। आपको बता दें कि 125 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के पास ही है। इसी तरह 92 मतदान केंद्रों के संचालन का जिम्मा दिव्यांगों के हाथ दिया गया है। ये कुछ बातें हैं जो इस वोटिंग के दौरान खास होने वाली हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ADR ने चुनाव लड़ रहे 1031 उम्मीदवारों में से 1028 के हलफनामों को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। पूर्ण हलफनामे उपलब्ध न करने के कारण 3 उम्मीदवारों का विश्लेषण नहीं किया गया था। इस बार कुल उम्मीदवारों में 101 यानी कि 10% महिलाएं हैं। तो वहीं इससे पहले 2019 में कुल 1138 उम्मीदवारों में से 104 यानी कि 9% महिलाएं थी। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में चुनाव लड़ने वाले कुल 1138 प्रत्याशियों में से 481 यानी कि 42 प्रत्याशी लोग करोड़पति भी थे। तो वहीं 136 उम्मीदवारों की दौलत 2 से 5 करोड़ के बीच है। 50 लाख से भी 2 करोड़ की संपत्ति वाले 200 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनकी दौलत 10 लाख से 50 लाख है, उनकी संख्या 191 है और 156 प्रत्याशियों की संपत्ति 10 लाख से भी कम है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की औसत धन की बात करें तो 8.68 करोड़ रुपए है। तो वहीं 2019 में 1138 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4 करोड़ से भी ज्यादा थी। पार्टीवार आंकड़े देखिए तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 24 करोड़ से भी ज्यादा है। तो वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 24.27 करोड़ रुपए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।